दीजिए मुझे वो अषाढ़ सुनाऊं। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ताकीर है जिसकी हसरत व गम, ऐ हम नफसों वो ख्वाब हैं हम। ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ऐ हम नफसों वो ख्वाब हैं हम। ढूंढोंगे मुल्कों मुल्कों नायाब हैं हम। अब हजरत को कहाँ पाएंगे, हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह को कहाँ पाएंगे अब। ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ऐ हम नफसों वो ख्वाब हैं हम। मैं हैरत तो हसरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर, मैं हैरत तो हसरत का मारा खड़ा हूँ साहिल पर, मैं हैरत तो हसरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर। दरियाए मोहब्बत कहता है आप कुछ भी नहीं पाया है हम, दरियाए मोहब्बत कहता है आप कुछ भी नहीं पाया है हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब है हम। ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ऐ हम नफसों वो ख्वाब हैं हम। नायाब हैं, मैं तो कितने से सुनता हूँ कि हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह जैसे उलूम अब कहीं नजर नहीं आते, और कितने लोगों से सुनता हूँ कि हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह हीरा थे हीरा, हमने कदर नहीं की, जो हजरत का माल था उनके पास वो हम ले ही नहीं सके, और अपने दोनों हजरात दिल में दर्द लेकर चले गए। आखिरी उम्र में ऐसा लगता था हजरत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं सकते थे, वो मंजर देखा ही नहीं जाता था क्योंकि जोफ इतना हो गया था कि हजरत कुछ बोल ही नहीं सकते थे। हजरत मीर साहब ने जो कैसेट्स हैं, एक सफरनामा मुझे कोई लिख कर दिखा दे, कैसेटों में माल भरा हुआ है लेकिन हजरत मीर साहब की छोटी छोटी डायरियां जो नहीं मिल रही हैं उसमें हजरत मीर साहब ने लिखा था कि भाई ये बचकर इतने मजंड पे ये हुआ, फिर यहां गए फिर वहां गए। वो तो हजरत मीर पूरे दुनिया में मुझे एक शख्स दिखा दें आप जिसने हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह के साथ सफर हजर में साथ रहा हो रात दिन, एक कोई नहीं दिखा सकता। हम जाते थे लोग, जैसे अब मैं गया हूं साउथ अफ्रीका 3 दफा, हजरत मीर साहब बांग्लादेश गया मैं नहीं, कनाडा गया नहीं, हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह तो, और फिर पाकिस्तान के कितने असफार किए। और उस वक्त हजरत मीर साहब 1969 में मिले जब तो हजरत के पास सिर्फ 3 लोग थे, और रातों अभी दुबई में पिछले सफर में एक मौलाना अहमद अली साहब मिले थे बर्तानिया के, हजरत की निस्बत का सुना खुद पहुंच गए बेचारे। फिर का मैं उस वक्त से हजरत को जानता हूं, शेखुल हदीस महा जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह से बैत था और हजरत से मोहब्बत मुझे बहुत थी, मैं तालिब इल्म था, खानका की छत पर मैं होता था, हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह और शेखुल अरब वल अजम हजरत मौलाना शाकिब अहमद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, और खूब बातें होती थी दिन की, दो दो घंटे 3-3 घंटे बातें होती थी। अल्लाह से अदालत में राजी रहना है लेकिन जहरी बात है, गम तो होता है, हमने कदर नहीं की। हजरत वाला अपने साथ ले गए दर्द दिल, हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह जब कोई बात पूछो हजरत ने इस तरह फरमाया। अब वो हजरत ने जिस तरह फरमाया ये तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि बगैर इस्तेहकाक के अल्लाह ताला ने लिसान अख्तर अख्तर सानी हजरत मौलाना शाह अब्दुल मतीन साहब दामद बरकात जोड़ दिया। वो हंसते भी थे ना हजरत वाला, तो डायरी में लिखते थे हजरत हंसे इस वक्त, इस तरह हर बात नोट कर लेते, हजरत ने चाय किस तरह पी, हाथ किस तरह हिलाया, वो भी डायरी में लिखते थे। वो देखने का मंजर होता था वो हजरत मौलाना शाह अब्दुल मतीन साहब दामद बरकात उनका।